दोस्तों स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट है। यूपी ट्रिपल एससी से एक अपडेट आई है, आज की वेबसाइट पे अपडेट आई है। यह अपडेट लोअर पीसीएस के एग्जाम से संबंधित अपडेट है। बहुत से छात्र बता रहे थे कि सर मैसेज तो आ गया है लेकिन एडमिट कार्ड के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और कई छात्र ये भी बता रहे थे कि मुझे तो मैसेज ही नहीं आया, तो क्या ये डेट आगे बढ़ेगी या एडमिट का कहीं से भी कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। तो दोस्तों अब ये ऑफिशियल न्यूज आ गई, अब आपको यकीन करना होगा कि आपकी परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी। आइए आपको नोटिस दिखा देते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप भी वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये देखिए, ये नोटिस जारी की गई, आवश्यक सूचना बता के दिया गया है इसको। इसमें बताया गया है कि सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा के बारे में बताया गया है। आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों को एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा 29, 30, 9 और 1, 10 दो दिन में 10 बजे से 12 बजे तक और 3 बजे से 5 बजे तक, यानी कि चार पालियों में ये परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु उनके आवंटित जनपद, तिथि, पाली की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से उक्त लिखित परीक्षा की तिथि, समय, पाली और परीक्षा केंद्र की सूचना पृथक से दी जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड होना प्रारंभ होने की सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ अपलोड की जाएगी। तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर निर्धारित तिथि, समय, पाली तथा परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ये थी अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।